हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत आप सभी का दिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए वीडियो के साथ, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो लेटेस्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि कीन्स की एक थ्योरी है। और उसमें हम तीन चीज़ें कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं। तो अगर आज आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए, ताकि आपकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो बनी रहे, है ना, क्योंकि पीछे से ही चीज़ें चली हुई आ रही हैं। तो अगर आपके वो वीडियोस क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो ही आप आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो आज का सेशन है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो भी बनते हैं। तो ये जो पूरा एक होल सोल टॉपिक है अपना डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने आप में एक बड़ा चैप्टर भी है। और इसीलिए हम इसके जो है छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये सुभाष देव जी की जो बुक है उनका पीपीटी है ना, तो या जिनकी हेल्प से हम ये सारा कुछ जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है, और हमें चीज़ों के बारे में पता होगा, हम रिलेट कर सकेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ मैन इनकम एंड आउटपुट की। ठीक है, चलिए ये है क्या कहानी, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। अब हम जो बात कर रहे थे वो टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे थे, जिसमें हाउस होल्ड्स और फर्म्स होते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड की दो ही हमारी चीज़ें थी, एग्रीगेट जिसमें हमने सी प्लस आई के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था बावरना, तो इसके अलावा जी और नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्स माइनस एम भी होता है, लेकिन ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस नहीं करी है। हमने केवल क्या डिस्कस किया है, टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, अब टू सेक्टर इकोनॉमी में कहानी क्या है कि यहाँ पर हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। किसकी हम बात करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट की। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे जो आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, वो बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका जो लेवल ऑफ इनकम है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और ऐसे ही अगर आपका जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो घटेगा, वैसे ही आपका लेवल ऑफ इनकम भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसका मतलब क्या है कि देयर इज ऑलवेज अ नेगेटिव रिलेशन। भाई बहुत सीधी सीधी सी बात है, ये आपके फर्म में पांच लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, पांच लोग काम कर रहे हैं, है ना। एक पर्सन जो है 5 फैन प्रोड्यूस कर सकता है हैंडमेड, तो बताओ पांच लोग कितने करेंगे। तो आप कहोगे सर 25। अब मैंने कहा कि मैं इनको बढ़ा करके 10 कर देता हूँ, कितने कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, तो कितने होंगे बताओ सर, 50। तो एक बात बताओ, जब आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा ना, और जब लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा तो क्या आपका लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज नहीं होगा, सर डेफिनेटली होगा। और ऐसे ही है वाइस वर्सा के रूप में काम करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के केस में लास्ट वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो वहाँ पर भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी थी एग्रीगेट डिमांड की किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है, तो क्या एग्रीगेट डिमांड वाई के इक्वल होगा, इनकम के इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एग्री, इसको इस तरह से समझ लो आप, इसको इस तरह से समझ लो कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है वो होता है सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, वाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाई भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्या मैं सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई कह सकता हूँ, कि टोटल इनकम का मतलब क्या है, कितना मैंने कंजम्पशन किया हाउस होल्डर ने और कितना फर्म ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ। तो जहाँ पर ये दोनों आकर के इक्वल हो जाएंगे वहीं पर कौन सा पॉइंट बन जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा, है ना, क्लियर है।
ये वाली बात तो इसको अगर हम देखें तो एक तो होता है एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द इनकम, मतलब आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा है और आपके जो डिमांड है वो क्या है, कम है, वो क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स बायर्स आर प्लानिंग टू बाय लेस। डिमांड कम है तो लोग प्लानिंग क्या कर रहे हैं, कम प्लान कर रहे हैं ना खरीदने की चीज़ों को, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसा बहुत सारा जो माल है वो क्या हो जाएगा, बिना बिके रह जाएगा, किसमें, वेयर हाउस में। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी अपना जो प्रोडक्शन है वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि सर जब हमारी डिमांड कम होगी तो कहीं ना कहीं हमें सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब क्या, एक्स एंटे वाले कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, है ना, ये वाली कहानी है। इसके बाद जब हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर हमारा डिमांड क्या है, ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो बायर्स हैं वो ज़्यादा चीज़ें खरीदने का प्लान कर रहे हैं, और अगर हमारा प्रोडक्शन क्या है, कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये तो बहुत लॉजिकल सी चीज़ है ना। और अगर वाई इज इक्वल टू ए डी है तो इसमें तो कहानी सेम ही है, भाई हम उतना ही माल प्रोड्यूस कर रहे हैं जितनी हमें क्या है, रिक्वायरमेंट है। अब देखो इसको आप ना डायग्रामेटिकली ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे, तो इसको जब हम डायग्रामेटिकली समझेंगे ना तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर तीन कर्व बने हुए हैं ना, तीन कर्व क्या बने हुए हैं, देखो एक तो हमारा यहाँ पर ये कर्व बना हुआ है 45 डिग्री का, एग्रीगेट सप्लाई का बनते ही बनता है, कंजम्पशन का बन गया, ऑटोनोमस कंजम्पशन का, और ये किसका बन गया, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन मतलब एडी, ये एडी का हमारा कर्व बन गया। तो जाहिर सी बात है कि एडी माने एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व बनेगा वो कंजम्पशन से ऊपर बनेगा। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों, तो मैं आपसे कहूंगा कि एग्रीगेट डिमांड किसका सम है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि एग्रीगेट डिमांड शुड बी ऑलवेज मोर देन द कंजम्पशन, इज इट क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन से ज्यादा रहेगी तो कंजम्पशन, तो एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो कंजम्पशन से नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा, कंजम्पशन से ऊपर बनेगा, क्लियर है। और इनके बीच का मतलब एग्रीगेट डिमांड है ना और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, क्लियर है ये वाली बात। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम जब इसको, या ये इक्विलेरियम पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, है ना, ये इक्विलेरियम पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पर। तो इससे पहले अगर ये वाली, ये मैं बात करूँ अगर इन दोनों को रिलेट करके, तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या है वो ज़्यादा है किसके मुकाबले, एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारा जो कंजम्पशन है ना, हमारा जो क्या है कंजम्पशन है वो भी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर हम कंजम्पशन क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम हो गए, तो ए डी इज इक्वल टू ए एस वाली कंडीशन आ गई, और ये वाली कौन सी आ गई, यहाँ पर ए एस क्या हो गया, वो ज़्यादा हो गया किसके मुकाबले, ए डी के मुकाबले, क्लियर है ये वाली कहानी। हाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ए डी को आप सी प्लस आई भी कह सकते हो और वाई भी कह सकते हो, क्लियर है कहानी। तो ये सी प्लस आई की अप्रोच है, ठीक है। अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के अप्रोच के लिए ना आपको पहले सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो उसके लिए तो अब दोबारा से तो ये मैं समझा नहीं सकता, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी जो सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन की हम लोगों ने करी थी। तो अब अगर हम इसका डेरिवेशन करेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, तो एक चीज़ समझिए कि हमारा जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वहाँ पर कहानी क्या है कि ए डी इज इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू सी प्लस है, यही तो कहानी है। अब कहानी क्या है, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, मैंने पीछे भी बताया था कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यस, एग्रीगेट डिमांड का क्या फंडा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्रीगेट डिमांड क्या, तो आप कहोगे सर सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, सी प्लस एस। अच्छा, कई बार आपसे ये भी पूछ लेगा, है ना, कि एडी का एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी प्लस एस, है ना, सी प्लस आई प्लस जी, बोथ ए एंड सी, है ना। तो बच्चे क्या होता है कि बच्चे ए डी और ए एस में ना कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब देखो यहाँ से ये कट गया, क्या बचा, आई इज इक्वल टू एस। इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल है, सेविंग के इक्वल है, इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल है, सेविंग के इक्वल है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई,
बताइए, अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम ना आगे समझेंगे। देखो ये वाला जो कर्व है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपका जो कि कांस्टेंट है, और यहाँ पर सेविंग कर्व बना हुआ है आपका। तो जहाँ पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर, तो ये वो वाली कंडीशन है जहाँ पर एस किसके इक्वल है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। क्या ये वाली बात तो समझ आ गई। और इसी को क्या कहा जाता है, एस आई अप्रोच कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, एस आई अप्रोच कहा जाता है, क्लियर है। चलो तो अगर अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एस क्या है, कम है। एस क्या है, कम है, किससे, इन्वेस्टमेंट से। और यहाँ पर क्या है, एस ज़्यादा है, किससे, इन्वेस्टमेंट से। तो वो वाली कंडीशन अब हम देख लेते हैं कि अगर अगर सेविंग इज ग्रेटर देन द प्लांड इन्वेस्टमेंट, अगर हमारी जो सेविंग है वो क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। अच्छा, सेविंग ज़्यादा होने का मतलब क्या, मैंने पीछे लास्ट देखो, इसीलिए मैं चीज़ों को कह रहा हूँ कि पीछे जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं ना उनको देखना ज़रूरी है। मैंने पीछे क्या बताया था, एग्रीगेट डिमांड के कम होने के पीछे का रीज़न क्या है, लोग कम खर्च करना चाह रहे हैं, लोग कम खर्च करना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं, या अगर इसका मतलब ये है कि अगर लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी जो कंजम्पशन पावर है वो क्या है, कम है। इसका मतलब एस अगर ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, किससे, इनकम से। ये वाली कंडीशन क्लियर हो गई है ना। और अगर एस कम है तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है इनकम से, क्लियर है। और फिर वही वाली कंडीशन आ जाती है कि अगर अगर एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है, तो जो प्लांड आउटपुट है या जो माल पड़ा हुआ है उसके लिए अकॉर्डिंगली हमें अपना प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। और इस वाली कंडीशन में हमें अपना प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और यही दोनों चीज़ें अभी हम लोगों ने यहाँ पर भी डिस्कस करी हैं, ए डी और ए एस अप्रोच में। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल टर्मोलॉजीज का अंतर है दोनों तरीके से, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ समझू, ये टेबुलेशन तो दिख रही होगी ना बच्चे, मैं देख लूँ क्या दिख रही है क्या नहीं दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा नहीं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से मैं दिख जाए, ये पूरी की पूरी टेबल ना दिख जाए, ठीक है। चलिए साहब, अब जब हम आगे इसकी बात करते हैं तो एक चीज़ अपने टेबल को रीड आउट कर लेंगे, है ना। टेबल को जब हम रीड आउट करेंगे तो बेटे यहाँ ये आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये दे रखा है कंजम्पशन 100 MPC और इन्वेस्टमेंट दे रखा है हमारा 300 का, ये I इज इक्वल टू 300 है। तो इनकम 0, 100, 1000, 3000, 4000, कंजम्पशन में चेंज कितना आ रहा है, 100, 900, 1700, 2500 और 3300। तो 800 का चेंज आ रहा है, कितने का चेंज आ रहा है भाई, चेंज कितने का आ रहा है, 800 का चेंज आ रहा है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर माइनस 100, तो सेविंग में कितने का चेंज आ रहा है साहब, सेविंग में कितने का चेंज आ रहा है, 200। सेविंग में कितने का चेंज आ रहा है, 200 का चेंज आ रहा है, 800 और 200 हज़ार। और यहाँ पर जो आपकी इनकम है उसमें कितने का चेंज आ रहा है, 1000 का। क्लियर हो गई ये वाली बात, क्लियर है ये वाली बात। इन्वेस्टमेंट आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। तो अब अगर आप देखोगे कि ये वाली जो दोनों कंडीशन है ना, ये वाली जो दोनों कंडीशन है, यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि साहब यहाँ पर आपका जो सेविंग है, यहाँ पर आपका जो सेविंग है वो क्या है, कम है, और आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर आपका सेविंग किसके इक्वल है, इन्वेस्टमेंट के। सेविंग 300 है, इन्वेस्टमेंट। और ये जो दोनों कंडीशन है ये क्या कह रही हैं कि यहाँ पर आपकी सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट क्या है, कम है। सॉरी, अगर आप एग्रीगेट डिमांड देखें तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट 300 × 400, ये वाले 300 और ये वाले 100 400, 300 900, तो 1200, 17 × 4 सॉरी 17 × 3 20, 25 × 3 28, 33 × 3 36। अब देखो ये जो पहली दो कंडीशन है अप्लाई हो रही हैं, ऐसी हमने एग्रीगेट सप्लाई निकाल ली, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एग्रीगेट सप्लाई किसकी इक्वल है, इनकम के। तो जो इनकम होगी वही हम एग्रीगेट सप्लाई पर उठा करके रख देंगे, वरना वरना है ना, वरना तो आप सी प्लस एस भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो ना।
जीरो 910,000 17,325,535 और 33 और 7 40 यही आ रहा है। तो चाहे आप उसको मान लो चाहे आप उसको मान लो, चॉइस इज योर्स। जब ये दोनों कंडीशन हमने देखी तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है किसके मुकाबले, एग्रीगेट सप्लाई। पहली कंडीशन पे सेविंग क्या थी, कम थी, तो एग्रीगेट डिमांड क्या थी, ज़्यादा थी। दूसरी कंडीशन पे तो सेम ही होना है खैर। और ये जो दोनों कंडीशन है, यहाँ पर सेविंग क्या हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई भी, कम हो गई, और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये जो आगे के पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये मैंने आपको यहीं पर डिस्कस कर दिए। तो अब इस कंडीशन पे होगा क्या वो समझ लेते हैं। माने जो पहली दो कंडीशन है ये वाली, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, या मतलब फर्म्स ने पैसा लगा रखा है लेकिन लोग सेव नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन क्या कर देंगे, वो प्रोडक्शन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। दूसरे वाला जो लेवल एक्विलिब्रियम, वो तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है इन द सेंस, वहाँ तो ना प्रोडक्शन बढ़ाना है ना घटाना है, कॉन्स्टेंट रखना है। तीसरा जो कंडीशन है, जहाँ पर सेविंग ज़्यादा हो रही है, लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वहाँ पर फर्म को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर फर्म को अपना प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी से उनके पास फर्म वेयर हाउस में बहुत सारा माल रखा हुआ है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस। अगर ये वाली बात क्लियर हो गई है और यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है, तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि यस सर, यहाँ तक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है, और हमने वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया है। क्लियर है? चलें आगे कहानी, आगे बढ़ाते हुए कहानी को चलें, एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं इसमें, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, है ना, आज ही कर लेते हैं ना इसको, समझ में आ जाएगा अपने, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहलाता है, तो मल्टीप्लायर क्या है कि कितना आपके इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, क्या कितना आपके इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ। जैसे मान के चलो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,000 का किया, तो और सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू होती हैं, ठीक, ये अजम्पशन है। और दूसरी अजम्पशन क्या है कि उसमें से मैं कुछ सेव कर लेता हूँ, माने 20%, ठीक है। अब कहानी क्या है कि मैंने इनिशियली 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, अलग अलग लोगों को दिए, समझना इसको लॉजिकली। अब क्या वो जो लोग हैं, क्या वो उस पैसे को खर्च नहीं करेंगे, बिल्कुल खर्च करेंगे। माने मैंने आपको दिए तो आप उसमें से कुछ सेव करोगे, माने 20%, 800 रुपये आप क्या कर दोगे, खर्च कर दोगे। अब वो 800 रुपये आपने तीसरे व्यक्ति को दे दिए, फिर उसने 20% सेव कर लिया, माने 8 × 16 = 160, है ना। तो बाकी 640 रुपये उसने वापस आगे कंज्यूम कर लिए, एक्सपेंड कर दिए। फिर 640 जिसके पास गए उसने 20% सेव किया, फिर बाकी का 80% उसने आगे ट्रांसफ़र कर दिया फिर उसके पास। तो ये क्या है, ये बार बार रिपीटेड होता रहेगा, और ये कब तक रिपीटेड होता रहेगा, जब तक आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी टोटल सेविंग के इक्वल नहीं हो जाता। मतलब दोनों जब तक 1,000 नहीं हो जाती है, तब तक प्रोसेस चलता रहेगा, और आपका जो टोटल कंजम्पशन है वो हो जाएगा 5 times। ये किसने कहा है सर, आपने कह रहा है, नहीं भाई मैं कौन कहने वाला, कीन्स साहब ये कह रहे हैं, मैं कहाँ कहूँगा, ये सवाल ही नहीं। देखो कंजम्पशन 100 + 0.8y, किसी को मुझे 0.8 बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि ये क्या है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व है ना, 0.8 ही होगा ना भाई। अगर आप 80% को कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 0.8 आएगा, है ना,
और आपका ऑटोनॉमियस इन्वेस्टमेंट कितना है? 300 करोड़ का। और हमारा जो फंडा है वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। और एक चीज क्या है सर, ए डी इज इक्वल टू वाई, ए एस और ए एस इज इक्वल टू वाई। तो हमने क्या कर दिया, वाई को किसके इक्वल कर दिया, सी प्लस आई के इक्वल कर दिया। और अगर हमने वाई को सी प्लस आई के इक्वल कर दिया तो कहानी क्या बनेगी, कहानी ये बनेगी कि ऑटोनॉमियस कंजम्पशन प्लस बी वाई प्लस आई। क्या ये कहानी समझ आ रही है? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं ध्यान से तो आपके समझ आ जाएगा कंजम्पशन का फंडा क्या है। सर ऑटोनॉमियस कंजम्पशन प्लस बी वाई, तो वही तो मैंने किया है, ऑटोनॉमियस कंजम्पशन प्लस बी वाई और प्लस इन्वेस्टमेंट एज इट इज रह गया। तो वाई में मैं बी वाई इधर उठा लाया और ऑटोनॉमियस कंजम्पशन प्लस आई एज इट इज रह गया। आ जाओ यहाँ पर, तो वाई में वैल्यू पुट कर दी 0.8 वाई की, 100 प्लस 300, यहाँ पर क्या बचा, तो वाई टोटल हमारी जो इनकम निकल करके आ गई वो कितने निकल करके आ गई, 2000 करोड़। अब आपसे क्या कहेगा, आपसे कुछ अलग नहीं कहेगा वो, है ना, आपसे कुछ अलग नहीं कहेगा वो, आपको केवल यही सिचुएशन दे देगा और आपसे करेक्ट आंसर पूछ लेगा, है ना। या वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो वाई इज इक्वल टू 100 प्लस 0 प्लस 400। अगर हम 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट, तो उसके बाद कितना होगा, 2500 करोड़ का। तो इसका मतलब कितना मल्टीप्लायर आ गया, 500 करोड़ का। तो इसका मतलब मैं ये कह दूं कि हमारा मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करते हैं, के से। तो के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर चेंज होगी। क्या है, आपकी जो इनकम है वो किसके बेसिस पर चेंज होगी, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर चेंज होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब है कि अगर अगर हम दो कंपोनेंट मान करके चले ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर के, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ये हमने पीछे पढ़ा था, तो उसका फंडा क्या है, सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, क्लियर है ये वाली कहानी। तो ऑटोनॉमियस कंजम्पशन क्या है, या तो स्टेबल रहेगा, तो इसके लिए हमारा जो ऑटोनॉमियस कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, वो हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर है, तो जब हम आगे इसको देखेंगे कि भाई ए इज इक्वल टू किसके आ रहा है, सी प्लस आई के, तो हमने क्या करा, दोनों की चेंज से मल्टीप्लाई कर दी। तो चेंज चेंज इन सी प्लस चेंज इन आई। अब चेंज इन सी किसके इक्वल है, जीरो के। तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑटोनॉमियस एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाएगा। इस चीज को ना दोबारा से समझ रहा है, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये सब कुछ थ्योरेटिकल दिया हुआ है, और ये सारी चीजें मैं आपको किसमें समझा रहा हूँ, यहाँ पर ये चीजें वैसी हो रही हैं, थोड़ी हो गई हैं, है ना, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पर लिख दिया। तो इसका मतलब अगर हम ये समझें कि के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, तो चेंज इन आई किसके इक्वल है, सर चेंज इन ए के, तो बस वही कहानी है। और इसी को क्या कहा जाता है, ऑटोनॉमियस एक्सपेंडिचर कहा जाता है, और इन्हीं से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। ठीक है साहब, आ जाओ देखो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे। आपका ये वाला जो कर्व है, ब्लू वाला जो कर्व है, इसके लिए पेन भी वही, तो समझ में तो आ ही रहा होगा ना, दिख तो रही है। ये वाला जो कर्व है ये कौन सा, एग्रीगेट सप्लाई का, एग्रीगेट डिमांड 1, एग्रीगेट डिमांड 2। क्लियर है। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड 2 के बीच में, मतलब जो हमारा ऑटोनॉमियस एक्सपेंडिचर 1 भी कह दो इसको, एक्सपेंडिचर 2 भी कह दो, के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। क्या है, इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर इनकम में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन आई। क्लियर कहानी है वाली, क्लियर है, क्लियर है ना। देखो ये वही सारी कहानी है जो भी मैंने आपसे कहा है, कहाँ पर कौन ज्यादा है, कहाँ पर कौन कम है। देखो एक बार रफली इसको देख लेते हैं, वी नो दैट, तो सी प्लस आई बिकम्स इक्वल टू द प्लांट एग्रीगेट आउटपुट इज इक्वल टू, ये तो हमें को पता ही है कि भाई ए डी किसके इक्वल होता है, ए एस के इक्वल होता है, ए एस किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है, और ए सी ए डी किसके इक्वल होता है, सी प्लस आई के इक्वल होता है, तो हम इसको ये कह सकते हैं, यही वाली कहानी है।
तो 3.11 पर जब हम देखेंगे, कौन सी 3.11, तो ये हो रहा है। अब 3.11 पर चले लेते हैं जरा। ठीक है ना, वो बाद में चलो देखेंगे, इसको समझेंगे। अरे आजा भाई। इट हैपेंस दैट AD C+I कर्व इंटरसेक्ट द 45 डिग्री लाइन। ओके, क्या AD AD इंटरसेक्ट कर रहा है 45 डिग्री को? देखो, ये तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? द 45 डिग्री ओरिजिन ए एस कर्व एट पॉइंट इवन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट ओ वाई इवन। क्लियर है? पहली कंडीशन अप्लाई हो गई। देखो, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। यहाँ पर क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो ऑटोनॉमियस है, और फर्म प्लान टू इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट। प्लान क्या कर रही है? और ज़्यादा लगाने की कोशिश कर रही है। अब क्या है, फर्म प्लान टू इन्वेस्ट हायर अमाउंट। अब वो और इन्वेस्टमेंट लगा देंगी, तो जब इन्वेस्टमेंट लगाएंगी तो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो ऑटोमेटिकली, भाई डिमांड बढ़ेगी तो उसको पूरा करने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो इस लेवल पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट लगाया, तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट लगाया तो ये कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना? देखो यहाँ पर ही आ गया, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द वाई, या वाई इज इक्वल टू ए प्लस डी। क्लियर है? और ये आ गया OY2, ये देखो OY2। तो ये इक्विलिब्रियम, जैसे ही हमारा जो डिमांड है, जैसे ही हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐड हुआ, तुरंत हमारा जो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर है वो यहाँ से शिफ्ट होकर के कहाँ पर चला गया? यहाँ पर चला गया, है ना, बढ़ गया। तो हमारी जो इनकम है वो भी कहाँ से, यहाँ से शिफ्ट होकर के कहाँ पर चली गई? यहाँ पर चली गई। और वहीं से आपका ये स्लोप क्रिएट हो गया, ये वाली कंडीशन जो है अप्लाइड हो गई, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। यस, दैट इज द कंडीशन। और यही चीज आपको ग्राफिटिकली रिप्रेजेंट की हुई थी। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई है? ठीक है, अब अगर इसमें हम बात करें, हमने बात की थी किस चीज की, कि क्या होता है जो हमारा मैनेजमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? हमारा MPC पर, है ना? अब इसको बड़े ध्यान से समझना कि अगर पॉजिटिव रिलेशन है MPC और इन्वेस्टमेंट की, तो अगर MPC बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर MPC बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर MPC घटेगा तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा? घटेगा। माने MPC कितना है? 0.6। तो ये कितना हो गया? 0.5, 2.5। और ये कितना हो गया? 0.2। ये तो ये 8, तो ये कितना हो गया? क्लियर हो रही है ये वाली बात? क्लियर हो रही है ना, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम समझें तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, है ना, सी प्लस आई, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है, या c इज इक्वल टू सी प्लस बी वाई, क्लियर है? या हम ये भी कह सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू सी की जगह पर क्या आ गया? सी प्लस बी वाई प्लस आई। बी वाई को इधर ले जाओ, तो जब वाई माइनस बी वाई करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा? सी प्लस आई, है ना? वाई क्या आ गया? कॉमन आ गया, 1 माइनस बी, सी प्लस आई। क्लियर है ये वाली कहानी? यहां तक कोई दिक्कत? तो अगर मैं इसको समझूं तो यहां पर ये कंडीशन निकल करके आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, और इधर आ गया c प्लस आई। अब 1 माइनस बी किसका है? b किसका फंक्शन है? MPC का। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। ये कहानी समझ आ गई कैसे आया ये MPC और ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्लियर कहानी? ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखो, ये चीजें एक दो बार से नहीं आने की हैं, ठीक है? इसके लिए आपको वीडियो रिवाइंड करके देखने पड़ेंगे 2-3 बार, और इसको समझना पड़ेगा। अभी मैं आगे बता दूंगा। देखो, यहां पर जगह आ गई, यहां पर मैं इसको बता देता हूं। मैंने कहा y इज इक्वल टू सी प्लस आई, यही कहा।
अब यहाँ पर एक कंडीशन मैंने ये लिखी कि कंजम्पशन इज इक्वल टू ऑटोनोमियस कंजम्पशन प्लस बी वाई, ये कहानी लिखी। अब आ जाओ यहाँ पर y इज इक्वल टू ऑटो सी की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई प्लस आई। बोलो कोई दिक्कत, सी की जगह ये आ गया। अब y को मैंने एक जगह पर ले लिया तो बी वाई इधर चला गया, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट बच गया। अब यहाँ से क्या करा मैंने, y कॉमन ले लिया तो वन माइनस बी आ गया और ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट आ गया। अब यहाँ पर y को अकेला छोड़ दो तो वन अपॉन वन माइनस बी और ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। बोलो बात समझ में आ गई। अब इसको दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो वन माइनस एम पी सी, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है एम पी सी, और इसको यहाँ पे लिख सकते हो ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस। और यहाँ पर तुम्हें मैं ना एक आगे की कहानी और बता देता हूँ जो आगे पढ़ोगे। वन माइनस बी का ना एक कंडीशन ये भी होता है एम पी एस, तो ये वाली कंडीशन भी बनेगी आगे। समझ आ गया, वही सारी कहानी है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, इन्होंने चेंज चेंज में मल्टीप्लाई कर दी। किस में मल्टीप्लाई कर दी, चेंज में। तो जब इन्होंने चेंज में मल्टीप्लाई करी ना, तो पता है क्या किया इन्होंने, देखो कितने शातिर लोग हैं ये, कीन्स कितने बढ़िया वाले थे। इन्होंने यहाँ पर ये जो एमपीसी आया यहाँ पर, इसको मैं रब, ये तो समझ में आ गया होगा ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरे ख्याल से तो ये दिख रहा होगा, मैं ऊपर बैठ गया था ना, हाँ ये दिख रहा है, सही है सही है, सही जगह आ गया मैं। ये रुको एक सेकेंड, ये मैं यहाँ की जगह पर ना यहाँ पर आ जाता हूँ। इसके चक्कर में ना मुझे इधर उधर घूमना फिर रहा है, घूमना फिर रहा है, पड़ रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, अपन समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन में ना रब कर रहा हूँ। अब देखो इन्होंने किया क्या, ये एम पी सी तक समझ में समझना। इन्होंने क्या किया है, हमारी कंडीशन निकल करके आई वाई इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एम पी सी, और यहाँ पर हमने लिखा ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस आई। बात समझ में आ रही है। अब इन्होंने क्या करा, चेंज से मल्टीप्लाई कर दी, चेंज इन वाई अपॉन वन माइनस एम पी सी, ठीक है ना। अब कंजम ऑटोनोमस, ये चेंज इन कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, है ना। अब यहाँ पर जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे वन माइनस एम पी सी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने पीछे जीरो पड़ी थी, क्या पड़ी थी, जीरो पड़ी थी अगर आपके याद हो तो। यहाँ पर कितना गया, चेंज इन आई, यस क्लियर कहानी। अब इसको इधर ले आओ तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एम पी सी, यस दिस इज वॉट वी हैव टू डू। अब इसको क्या कर दिया हमने, के कर दिया, और इसको क्या कर दिया वन अपॉन वन माइनस एम पी सी क्या दो, या वन माइनस एम पी एस क्या दो। तो दोनों ही कंडीशन क्या है यहाँ पर अप्लाई हो रही है। आगे समझते हैं इस चीज को, ये देखो वन अपॉन वन माइनस एम पी सी या वन माइनस एम पी सी इज इक्वल टू एम पी एस, तो यहाँ पर के इज इक्वल टू वन अपॉन एम पी एस हो गया। समझ में आया, आया मजा सा आया समझने में थोड़ा सा। देखो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी कॉन्सेप्चुअल है ना, और इसको बड़े ध्यान से ना आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये ऐसे समझ में नहीं आने की है, इसको आप ना दो तीन बार वीडियो को रिवाइंड करके जब देखोगे ना तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब देखो वहाँ पर हमने 0.8 लिया था तो एम पी एस कितना आ गया 0.2, और वहाँ पर 0.5 लिया था। तो अब कंडीशन क्या थी कि भाई अगर एम पी सी बढ़ेगा, अगर अगर एम पी सी बढ़ेगा तो हमारा जो मल्टीप्लायर है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर एम पी एस जो है घटेगा तो हमारा जो मल्टीप्लायर है ना वो भी क्या होगा, घटेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एम पी सी है ना और एम पी एस है, तो ये वाली कंडीशन जो है आपकी अप्लाई हो जाएगी, ये वाली। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी तो सारी थ्योरेटिकल कहानी है ये रही, ठीक है। एम पी सी तो एम पी सी के ऊपर डिपेंड करता है, एम पी सी जीरो हो गया तो ये वन बाय वन हो गया, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। कब किस कंडीशन में, अगर इनकम ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है ना। और तो ये देखो ये चीज, अच्छा मैंने गलत साइन लगा दिया था क्या, ओहो ये इधर नहीं आएगा, ये इधर आएगा, ये वाली कहाँ गया, अरे आजा भैया, वन इज ये कहानी है, जीरो एम पी सी ये वाली,
ठीक है साहब, ये तीन चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल एग्जांपल वाली तो कहानी अपने को कुछ करनी नहीं। ये देखो वही है, 1,000 रुपये थे, 1,000 करोड़ जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था, 800 खर्च कर दिए, 200 सेव कर लिए, फिर ये 800 किसी के लिए क्या बन गई, इनकम बन गई। फिर उसने 20% सेव करा, 640 खर्च कर दिए, फिर 640 किसी के लिए इनकम बन गई। फिर उसने 120% क्या किया, सेव कर लिया बाकी के। और ये जो प्रोसेस है ना, ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक सेविंग का कर्व जो है वो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाता, और आपका जो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 5 टाइम्स नहीं हो जाता है। यस, अब ये 5 टाइम्स कैसे हुआ, यही सवाल है ना। तो 1 माइनस MPC, 1 डिवाइडेड बाय MPC, तो 1/0.2। ये सिंपल कहानी, क्लियर है कहानी यहाँ तक? वही सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक डिस्कस करी है, ये चीज़ हम लोगों, तो ये एक चीज़ है, क्लियर है? ये हम लोगों ने आज पढ़ा है। चाहे आप MPS से निकाल लो, चाहे आप MPC से निकाल लो, अल्टीमेटली फर्दर आपको इसी ही सिचुएशन पे आना पड़ेगा। देखो मेन मेन जितनी भी चीज़ें थी मैंने ना वो आपको करा दी हैं। MPS से भी रिलेशन मैंने समझा दिया और MPC से भी समझा दिया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, और साहब ये कैसे आया, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। इससे ज़्यादा इसके अंदर समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर अगर देखो, अब देखो ये सारी चीज़ें क्या, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, पेड क्लासेस लेनी पड़ती हैं। वो लेनी पड़ती हैं कि नहीं लेनी पड़ती हैं? इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की वजह से आपको पेड क्लासेस लेनी पड़ती हैं, और यही कॉन्सेप्ट्स आपको क्या इजीली यूट्यूब पर अवेलेबल हो रहे हैं, वो भी PGT लेवल की प्रिपरेशन के लिए। क्यों? सिर्फ किस लिए? ताकि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपका जो सपना है गवर्नमेंट टीचर बनने का, वो पूरा हो सके, है ना। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि भाई लिटरली अगर आप फील कर रहे हो ना कि भाई सामने वाला जो बंदा बैठा है जो इतने एफर्टलेस होकर के पढ़ा रहा है, ठीक है, बिना किसी परेशानी के, और कॉन्टिन्यूस क्लासेस दे रहा है हर टॉपिक्स की, इतनी डेप्थ में नॉलेज के साथ या इतनी एक्सप्लेनेशंस के साथ, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और आपकी जो ये अधिगम मंत्रा की फैमिली है ये और भी बड़ी हो सके, है ना। तो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदार सेशन रहा करेगा। और फिर आगे तो मैं वैसे भी लाइव क्लासेस की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो होपफुली वो जल्दी हो जाएगा। तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे सब्सक्राइबर्स तो दो यार एटलीस्ट, है ना, कि भाई हाँ इतने लोग जो है वो देख रहे हैं, क्या मज़ा आएगा फिर, है ना। तो अगर आपको लगता है ना कि भाई ऐसे सेशन, अब सोचो जब ये वाले सेशन ऐसे हैं, तो जब हम MCQ की प्रैक्टिस करेंगे तो MCQs का लेवल क्या रहने वाला है, मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ, एक अलग ही लेवल के MCQs जो हैं वो रहा करेंगे। मतलब लिटरली अगर आपने ये कॉन्सेप्ट्स और वो MCQs कर लिए ना, आपका सिलेक्शन है ना कोई नहीं रोक सकता फिर, है ना। कॉमर्स में तो आपके फिर 95% तक नंबर खींच दोगे, बहुत प्यार से खींच दोगे। देखो मैं 5% की गारंटी नहीं ले सकता, मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई 100% जो मैं करा दूंगा वही आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर और भी डेप्थ में जा सकती हैं। देखो किसी की कोई लिमिट नहीं है, पेपर बनाने वाला किस मेंटेलिटी के साथ पेपर बना रहे वो अपने को थोड़ी पता है। बट अपन क्या कर रहे हैं कि अपन प्रयास कर सकते हैं कि भाई यहाँ से इतनी डेप्थ में जा करके जो है पेपर बन सकते हैं, तो अपन उस डेप्थ तक जाएंगे और बहुत सॉल्व ऐसे, मतलब ये समझ लो अगर आपने वो MCQs कर लिए ना, कोई सा भी एग्जाम दे देना PGT का, रुकेगा नहीं, बशर्ते जनरल पेपर अच्छा होना चाहिए। देखो जनरल पेपर अच्छा कर लेना अपना, ठीक है। तो चलो इसी के साथ एक आध क्वेश्चन देख लें अपन लोग। एक ये है, MPC अगर इज इक्वल टू 1 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, बताओ। MPC अगर 1 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। MPC की वैल्यू अगर 0 है तो मल्टीप्लायर कितना होगा, 0, 1, 0 से, 0 से 1 से बीच के बीच में तो वो तो ही होता है। और MPC की वैल्यू जब 1 होती है, इक्वल टू 1 होता है, तब इन्फिनिटी होती है ना। मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर 0 है तो कितनी होगी, 1 होगी। 0 है तो कितनी होगी, आप समझ रहे हो किस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं।
एक आध क्वेश्चन और देख लेता। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन बी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है बताओ। देखो जरा जरा इसका आंसर बताओ। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ हो गया। हाँ ये रहा, क्या हो गया, एक सेकेंड क्या हो गया। ये तो हो गया था ना, ये वाला अपन लोग कर रहे थे। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, पता नहीं क्या हुआ है। हाँ हो गया सही। यस इन्फिनिटी, एमपीसी की इन्फिनिटी टू जीरो, इन्फिनिटी टू वन, वन टू इन्फिनिटी या दिस। जब भी हम एज्यूम करेंगे, ये बात ध्यान में रखना, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स भी थे कि हमेशा क्या होगी, इन्फिनिटी वन होगी व्हेन एमपीसी एज्यूम टू बी वन। ये भी हमने पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा था ना, एम पी सी अगर वन है तो जो कितनी होगी, और एम पी सी अगर जीरो है तो कितनी होगी। क्लियर है। अगर यहाँ पर क्या होता एम, अब यहाँ पर देखो दोनों सेम है, यहाँ पर कह रहा है मल्टी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन बी इन्फिनाइट, वन है नहीं। एम पी सी जब हमारा वन होगा तो हमारा मल्टीप्लायर कैसा हो जाएगा, इन्फिनाइट। एम पी सी हमारा जीरो होगा तो कितना हो जाएगा, वन। क्लियर। तो बस इसी के साथ आज का सेशन अपन क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। वी रियली होप कि आप लोग सेशन को शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जो हमारी फैमिली है उसको बड़ा करोगे, उनको ग्रो करोगे, और डेफिनेटली आपको ये सारे एफर्ट्स भी दिख ही रहे होंगे। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट व्हेन जब हम लोग धमाका करेंगे, है ना। धमाका कैसा होगा कि जो भी पीजीटी लेवल का एग्जाम होगा उसके सॉलिड ऐसे ऐसे एमसीक्यूज करेंगे कि मजा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। इकोनॉमिक्स के बाद हम एमसीक्यू पर ही जाएंगे, और इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में एक ही टॉपिक बचा हुआ है केवल, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट बजट है ना, और उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, दो तीन चैप्टर हैं जो हमारे बच जाएंगे इसके अंदर। उनके बाद हम केवल एमसीक्यू ही एमसीक्यू करने वाले हैं, लेकिन 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 एमसीक्यू हम केवल तभी करेंगे जब अपने पास नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे, अब आप चाहे इसको सेंटिमेंटल मान लो, इमोशनल ब्लैकमेल मान लो, कुछ भी मान लो, बट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, मज़ा आएगा, लिटरली मज़ा आएगा एमसीक्यूज करने में। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।